लास्ट पीरियड तक देखा कि सिंपल एजर्टिव सेंटेंस, एजर्टिव सेंटेंस जो है उसको हम लोगों ने उसको कैसे पैसिव कंस्ट्रक्ट किया उनका, और अब हम देखते हैं यहाँ पर डेटिव ऑब्जेक्ट सेंटेंस। डेटिव ऑब्जेक्ट, डेटिव ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो। एक होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट मोर देन वन वर्ड, यानी वन वर्ड से ज्यादा ऑब्जेक्ट होना, लेकिन डेटिव ऑब्जेक्ट क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो ये डेटिव ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे। एग्जांपल से समझिए, माय ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी, माय ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी, मेरी दादी माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई। अब हम यहाँ देखते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को, हमारे पास यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, वी हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वी हैव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी, फर्स्ट इज मी एंड द सेकंड इज अ स्टोरी, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास। मी यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं सजीव, और ये हो जाता है निर्जीव, निर्जीव ऑब्जेक्ट, अ स्टोरी। अब दोनों का उत्तर हमें मिल रहा है। मैंने ये बताया आपको कि हम लोगों को ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाना है, जो हमारी क्या और किसको का उत्तर हो, किसका उत्तर हो, क्या और किसको का। क्या सुनाई, एक कहानी सुनाई, किसको सुनाई, मुझे सुनाई। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका भी उत्तर हमें मिल रहा है, इसका भी उत्तर हमें अलग से मिल रहा है, यानी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, मी एंड अ स्टोरी। और जो सजीव होता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और जो निर्जीव होगा उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन दो तरह से कर सकते हैं, हम इसको भी हमारा सब्जेक्ट बना सकते हैं और एक इसको भी हमारा सब्जेक्ट बना सकते हैं। मेरी दादी माँ ने मुझे कहानी सुनाई, किसको सुनाई, मुझे सुनाई, क्या सुनाई, एक कहानी सुनाई, दोनों हो गया डेटिव ऑब्जेक्ट। अब हम लेते हैं किसको लेते हैं, पहले मी को, मी को लेते हैं, ऑब्जेक्ट मांगते हैं मी को, और मी को सब्जेक्टिव केस के यहाँ पर लेकर आते हैं। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस क्या है, अब मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई, मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई, मी की जगह क्या हो जाएगा, आई। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा कि सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट हमारा आ गया, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, अब हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम लोग किसको देखेंगे, मेन वर्ब को। मेन वर्ब क्या है, टोल्ड, टोल्ड इज सेकंड फॉर्म, मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस है, सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म जो है तो सेकंड फॉर्म होगी तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, वाज और वर, या वाज लगाते हैं या वर लगाते हैं, वाज सिंगुलर के साथ और वर प्लूरल के साथ, आई वाज। अब है मेन वर्ब, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, आई वाज टोल्ड, आई वाज टोल्ड अ स्टोरी बाय माय ग्रैंड मदर, ये बन गया, आई वाज टोल्ड अ स्टोरी बाय माय ग्रैंड मदर, मुझे एक कहानी मेरी दादी माँ के द्वारा सुनाई गई, कही गई। तो ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर हम लोगों ने बनाया, और ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है दूसरे से, जब दूसरे से मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर बनाना। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस कैसे
कंस्ट्रक्ट करेंगे वो देखिए। पैसिव कंस्ट्रक्ट करने के लिए अ स्टोरी, ऑब्जेक्ट क्या बनाया, अ स्टोरी, फिर लगाएंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब, वही हेल्पिंग वर्ब आज को लगाई, टोल्ड इज सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस, वाज एवर, स्टोरी इज सिंगुलर सो वी यूज वाज, अ स्टोरी वाज टोल्ड मी, क्या हो जाएगा, अ स्टोरी वाज टोल्ड मी बाय माय ग्रैंड मदर, एक कहानी मेरी दादी माँ के द्वारा मुझे कही गई, और इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि मुझे एक कहानी मेरी दादी माँ के द्वारा कही गई, और ये एक कहानी मेरी दादी माँ के द्वारा मुझे कही गई। अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको हम लोगों ने सब्जेक्ट के बतौर रखा, इस तरह से पैसिव कंस्ट्रक्ट होगा, और ये हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया तो इस तरह से ये होगा। तो इसको डेटिव ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। डेटिव ऑब्जेक्ट्स मतलब कि दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से उनको सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर पैसिव कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर पैसिव कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये तो थे डेटिव ऑब्जेक्ट्स। अब हम देखते हैं ऐसे एसर्टिव सेंटेंस को जिसमें हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ऐसे एक्टिव वॉइस का जिसमें कि क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है हमारा या अननोन होता है या अति परिचित होता है, मतलब कि नोन होता है यानी कि ज्ञात होता है। जैसे समवन हैज स्टॉलन माय पर्स, Someone has stolen my purse, यानी कि कोई मेरा पर्स चुरा चुका है, यानी कि किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। अब क्या चुरा लिया, my purse, क्या चुरा लिया, my purse, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, my purse है, तो my purse हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, my purse, हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास has, अब ये has जो आई है someone के लिए आई है, और हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है माय पर्स, तो यहाँ टेंस हमें चेंज नहीं करना है, माय पर्स इज सिंगुलर सो वी पुट अप हियर हैज, और हैज हैव हैड के साथ हम लोग एक और हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बीन एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्टॉलर, ये याद रखना है कि हैज हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। वही बात बार बार रिपीट करती हूँ कि आप लोगों को वर्ब्स आनी चाहिए, डेली की 5 वर्ब्स भी अगर आती है तो बहुत अच्छा, नहीं आती है तो डेली की 5 वर्ब्स भी याद करते हैं, 5 मिनट का काम है, वो भी बहुत है आपके लिए। Has been stolen, ये हो गया। अब हमने यहाँ पर by then doer का प्रयोग नहीं किया, by plus doer का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि हमारा doer यहाँ पर क्या है, someone, यानी किसी ने, कौन है, किसी ने मतलब कौन, किसी ने अज्ञात करता है, हमारा सब्जेक्ट अननोन है, इसीलिए यहाँ पर बाय प्लस डूअर लगाने की जरूरत नहीं है। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वी सी अनदर एग्जाम्पल, जैसे पीपल स्पीक इंग्लिश All over the world. People speak English all over the world. यानी सारे संसार में लोग अंग्रेजी बोलते हैं। अब यहाँ पर all over the world. वही बात, सबसे पहले आपको identify करना है object का। आपका object क्या है? क्या बोलते हैं? English. ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या बोलते हैं, इंग्लिश, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंग्लिश, क्या बोलते हैं, इंग्लिश। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है हमारे पास, ये देखा, स्पीक इज फर्स्ट फॉर्म, स्पीक क्या है, फर्स्ट फॉर्म है तो हम लोग यूज करेंगे इज, आर या एम का, इंग्लिश इज सिंगुलर, इसी
इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा is, और then we use the third form of speak, is spoken, spoken all over the world. ये बन जाएगा इस तरह से all over the world. English is spoken all over the world. यानी English सारे संसार में बोली जाती है. अब पीपल लोग बोलते हैं, लोग अननोन, हमारा सब्जेक्ट अननोन हो गया, तो यहाँ पर बाय प्लस डूअर का प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है. ये वर्ल्ड. अब एक प्रोनाउन की बात आती है, वी और दे. वी और दे, अगर हमारे सब्जेक्ट ये है वी एंड दे, ठीक है, वी और दे, तो वी और दे ऐसे प्रोनाउन है जहाँ पर हम लोगों को बाय देन डूअर की प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है. कर भी लिया तो ये नहीं कि ये इनकरेक्ट होगा, वहाँ कोई गलती या मिस्टेक नहीं होगा आपका पैसिव कंस्ट्रक्शन गलत, लेकिन एज अ रूल हम ये बता देते हैं कि वी और दे जब हो प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट, तो वी डू नॉट यूज बाय इन पैसिव कंस्ट्रक्शन बाय प्लस डूअर. जैसे अब पीपल है, यहाँ पर पीपल है, तो हम लोग यहाँ पर वी कर दे, वी स्पीक इंग्लिश, ठीक है, वी स्पीक इंग्लिश, यहाँ से ये हट जाएगा. वी स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं होगा, हम इंग्लिश बोलते हैं, तो अब क्या बन जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन. जरूरी नहीं है आप लोग बाय प्लस डूअर का प्रयोग करें. दे स्पीक इंग्लिश, वे इंग्लिश बोलते हैं, तो जरूरी नहीं है कि बाय देम का प्रयोग करें, क्योंकि वी और दे के लिए हम लोगों को बाय प्लस डूअर का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है. इट नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है. ये हो गया अननोन पर्सन. अननोन पर्सन, अब एक ऐसा ले लेते हैं जैसे द कारपेंटर, ये एग्जाम्पल, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है, जिसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, और समझने के लिए मतलब हमें ये समझने के लिए ये एग्जाम्पल हमारे लिए जरूरी है, आवश्यक है, और आवश्यक भी है और इजी भी है. जैसे द कारपेंटर, मतलब रूल को समझने के लिए, द कारपेंटर मेड फर्नीचर. कारपेंटर मेक्स फर्नीचर. कारपेंटर क्या बनाता है, फर्नीचर बनाता है. फर्नीचर बनाता है, क्या बनाता है, फर्नीचर. तो फर्नीचर हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट. फर्नीचर इज आवर सब्जेक्ट. अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है. मेन वर्ब को देखा, मेक्स फर्स्ट फॉर्म विद एस और ईएस, मतलब प्रेजेंट सिंपल फॉर्म. एंड टू कंस्ट्रक्ट पैसिव वॉइस वी यूज द हेल्पिंग वर्ब इज आर एंड एम. तो फर्नीचर इज सिंगुलर. फर्नीचर क्या होता है, सिंगुलर. ये ध्यान रखना है आप लोगों को. फर्नीचर में हालांकि सारे फर्नीचर आते हैं, लेकिन फर्नीचर के लिए आप लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, फर्नीचर्स कभी नहीं होता. हम ये कहें कि फर्नीचर्स, बहुत सारे फर्नीचर है, तो मतलब फर्नीचर्स नहीं होता, हमेशा फर्नीचर ही होगा. तो फर्नीचर इज मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड. ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है. जरूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर द कारपेंटर लगाएं, कारपेंटर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट जो है वेरी नोन है, नोन है, ज्ञात है, और फर्नीचर हमेशा कारपेंटर के द्वारा बनाए जाते हैं. तो फर्नीचर इज मेड. डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट, तो अब रोगी का इलाज डॉक्टर ही करता है, तो यहाँ पर और कोई नहीं करता, इसीलिए वो हमारा सब्जेक्ट जो है वो वेरी नोन है या नोन है, तो यहाँ पर हम लोगों को बाय प्लस डूअर का प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है. बाय प्लस डूअर का प्रयोग अगर आप करते हैं तो वो आपका पैसिव कंस्ट्रक्शन गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ करने की जरूरत नहीं है. ये हो गया. अब देखते हैं वो सेंटेंस एग्जाम्पल जहाँ पर क्या होती है, हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है, देयर आर मोर देन वन वर्ड्स इन ऑब्जेक्ट, यानी एक से ज्यादा शब्द होते हैं. जैसे रमेश पेंटेड, रमेश पेंटेड द वॉल्स ऑफ हिज रूम.
रमेश पेंटेड द वॉल्स ऑफ हिज रूम, रमेश ने अपनी दीवारों अपने कमरे की दीवारों को पेंट किया, रंगा। अब अधिकतर देखो, अब यहाँ पर ये सारा हमारा ऑब्जेक्ट है, these words are our objects, ये सारे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये वर्ड्स जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। खाली वॉल्स नहीं तो आप ऑफिस रूम को कहाँ रखेंगे, हिज रूम कर दिया तो वॉल्स को कहाँ रखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि रमेश ने अपने कमरे की दीवारों को रंगा, क्या रंगा, अपने कमरे की दीवारों को क्या रंगा, किसको रंगा, तो यहाँ पर हमें किसका क्या और किसको का अगर उत्तर ढूंढे अपने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो द वॉल्स ऑफ हिज रूम यानी उसके कमरे की दीवारें, तो उसके कमरे की दीवारें, तो ये टोटली ये सारे वर्ड हमारे ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, द वॉल्स ऑफ हिज रूम, द वॉल्स ऑफ हिज रूम, ये पूरा ये सारे वर्ड्स हमारे क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था जिसको हमने किसके जगह पर पुट अप किया, रिप्लेस किया सब्जेक्ट के जगह, द वॉल्स ऑफ हिज रूम। अब यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, किसका, वाज और वर का, वाज और वर का यूज करेंगे। अब यहाँ पर मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब को यूज करने की, क्योंकि वो ये देखते हैं कि हिज रूम, अब हिज रूम क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, वाज, वाज सेकंड फॉर्म है तो मतलब पास्ट सिंपल टेंस, और पास्ट सिंपल टेंस में वी यूज वाज और वर। अब यू हिज रूम देखा और क्या लगा दिया यहाँ पर, वाज, और ये वाज यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा पूरा सब्जेक्ट ये है, उसने कमरे को नहीं रंगा, उसने दीवारों को रंगा है, द वॉल्स ऑफ हिज रूम यानी उसने अपने कमरे की दीवारों को रंगा, तो दीवार नहीं है यहाँ पर, दीवारों को रंगा, तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर, द वॉल्स ऑफ हिज रूम वर, एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज पेंटेड, पेंटेड बाय रमेश, की कमरे की दीवारों को रमेश के द्वारा रंगा गया। तो यहाँ पर क्या है, ये अब जैसे ये वर्ड है, ये सारा हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट है, और यदि हमने इधर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं किया तो यहाँ हम सब्जेक्ट सही नहीं लगाएंगे। यदि हम लोग सब्जेक्ट तो हमने यहाँ पर लगा लिया, और सब्जेक्ट के अगर हम लोग सेंस या कह दे कि यदि हम सब्जेक्ट के अर्थ को नहीं समझते हैं तो हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों को ये ध्यान से इत्मीनान से करना है, जल्दबाजी से नहीं करना। द वॉल्स प्लूरल है, हिज रूम सिंगुलर है, लास्ट वर्ड नहीं देखने, और पूरा देखना है कि कमरे की दीवारों को रंगा। अगर यहाँ पर वॉल आता कि कमरे की दीवार रंगी तो वाज, लेकिन यहाँ पर क्या है, वॉल्स है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वर आ जाएगा। तो ये होते हैं एक से ज्यादा सब्जेक्ट वर्ड्स वाले हमारे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे जैसे ए सेल ऑफ टिकट्स, ऐसे कोई आ जाता है। अब सेल, अब ये टिकट्स, टिकट्स क्या हो गया, प्लूरल, और यहाँ पर क्या लगा देते हैं, प्लूरल वर्ब, क्या लगा देते हैं, प्लूरल वर्ब, लेकिन यहाँ पर प्लूरल वर्ब नहीं आएगी क्योंकि हमारा दीज वर्ड्स आर और सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट ये वर्ड है। अब सेल का मतलब क्या होता है, बिक्री, सेल का मतलब क्या होता है, बिक्री, बिक्री है तो बिक्री यानी टिकट की बिक्री, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर हो गया तो हम लोग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ना कि प्लूरल का यूज करेंगे। तो इस तरह से कई ऐसे सेंटेंस आते हैं जहाँ पर हमारा, जहाँ पर हमारे सब्जेक्ट जो होते हैं, जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक से ज़्यादा कई शब्द होते हैं, और वो एक से ज़्यादा शब्द हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को हम लोगों को क्या करना होता है, यूज़ करना होता है एज एन सब, एज ए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को देखकर हम लोगों को क्या पुटअप करनी होती है, हेल्पिंग वर्ब पुटअप करनी होती है।
ये सारे सेंटेंस एसर्टिव मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में आते हैं, और नेगेटिव में आते हैं इसीलिए हम लोगों को ये ध्यान से करना पड़ेगा। अब रिपोर्टेड स्पीच की तरह एसर्टिव सेंटेंस को पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि रिपोर्टेड स्पीच में बताया गया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब्स, एक वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एंड दूसरे जो सेकंड इज स्टार्ट विद WH वर्ड्स, WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। लेकिन इन रिपोर्टेड स्पीच यानी कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच में ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसको हम लोग एसर्टिव सेंटेंस में, या फिर कह सकते हैं कि हम लोग सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही रहेंगे, और रिपोर्टेड स्पीच में जहाँ पर हम लोग टेंस चेंज करते थे वहाँ पैसिव कंस्ट्रक्ट करते समय, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी पैसिव कंस्ट्रक्ट करते समय हम लोग टेंस चेंज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये स्टार्टिंग, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्री रूल्स थे एक्टिव पैसिव वॉइस को, और एसर्टिव सेंटेंस को हम लोगों ने समझा, उसके बाद ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के और WH वर्ड के हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और आप कुछ एग्जांपल लेकर प्रैक्टिस बुक, आपकी किताब में बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं एसर्टिव सेंटेंस के, आप उसको करने की कोशिश कीजिएगा। और कल हम लोग देखेंगे वी सी द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थैंक यू।